प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कमेटी हॉल में पढ़े गोरखपुर एवं टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पढ़े गोरखपुर के तहत गोरखपुर में किए गए कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अभिभावक एवं टीचर भी पढ़ने में बच्चों की मदद करें। आने वाला समय ज्ञान का समय होगा, सभी लोग मिलकर बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कार्य करें। अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने वाले बच्चों को सम्मानित करने का कार्य किया जाए। महामहिम राज्यपाल ने टीबी नियंत्रण की जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक बच्चों को गोद लेकर उन्हें टीबी से बचाव के लिए पोषक तत्व दिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालय एवं से संबद्ध महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक एवं प्राचार्य टीबी उन्मूलन से ग्रसित बच्चों को गोद लें। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रचार प्रसार भी किया जाए और शिक्षकों को यह बताया जाए कि टीबी से ग्रसित बच्चे पर विशेष ध्यान दें। महामहिम राज्यपाल ने केंद्र सरकार की योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूलों के प्रबंधक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया सर एक मिनट आ गया हेलो गोरखपुर सुंदर गोरखपुर जी आज तो माननीय राज्यपाल महोदय ने 3 मीटिंग लिए थे। अभी तो पढ़ो गोरखपुर अपने ही कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। खासतौर पे जो बच्चे का जो पढ़ाने की आदत पढ़ाने के लिए लाना है उसी का पहल किए हैं। उस पर क्या है, महीने में एक दिन 45 मिनट का सारे बच्चे बैठ के पढ़ें आपस में। उससे क्या, शुरुआत में तो लगता है ताकि जो पढ़ने का वातावरण घर में नहीं मिलता है, कम से कम तो आपने अड़ोस पड़ोस सारे जो अपने फ्रेंड पढ़ता है तो वो भी पढ़ने के लिए शुरू करता है। हम लोग कल भी ये कार्यक्रम करवाए, वो आगे जो मैडम भी बताए थी, यहाँ सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, सब में एक पढ़ो गोरखपुर के नाम से एक कार्यक्रम बनाने के लिए हम लोग उसको शुरुआत किए। उसके साथ साथ टीवी है, खासतौर पर जो टीवी से अफेक्टेड बच्चे हैं जो 18 साल के नीचे, उन्हीं लोगों को गोद दिलाने में मैडम ने मार्गदर्शन दिए थे। यहाँ तो 213 बच्चे हैं, उस पर 30 बच्चे के हम लोग गोद दे चुके हैं। बाकी बच्चे के भी तो विभिन्न अधिकारी और जो एनजीओ संगठन वो लोग भी गोद लेके वो 6 महीने उन लोग का वो कुपोषण से बाहर मुक्त करा के लाना है और रोज़ लगातार उसका दवा के लाना है, उसी योजना के भी मैडम ने बताई थी कराने के लिए। उसके बाद गोरखपुर में जो विभिन्न केंद्र सरकार का योजना है उसी का पूरा जायजा ली थी मैडम, वो आपने सुझाव भी दिए थी विभिन्न योजना में कैसे सुधार कराया जाएगा, उसी का योजना हम लोग जो मार्गदर्शन जो राज्यपाल महोदय ने दिए हैं उसी का सीरियसली लेते हुए आगे बढ़ाएंगे और मैडम भी तो संतुष्ट थे प्रेजेंटेशन। विकास का सारे संबंधित अधिकारी रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का सभी अधिकारी रहे हैं, विकास संबंधित अधिकारी रहे हैं और यहाँ जो कोई एनजीओ संगठन का भी बुलाया था उन्हीं लोग भी आए थे, वो भी रहे। उसके अलावा अभी यूनिवर्सिटी का वीसी, यूनिवर्सिटी लोग को भी काफ़ी जिम्मेदारी दिए हैं
वीसी मैडम ने, ताकि यूनिवर्सिटी के भी एक्टिव जो काम होना चाहिए था उस पर जो राज्यपाल महोदय ने दोनों वीसी को बुला करके बताएं। यहाँ तो करीब तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में 350 कॉलेज जुड़े हुए हैं, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में भी 15-20 कॉलेज जुड़े हुए हैं। सबको जिम्मेदारी दी है, सारे टीचर्स है, सारे प्रिंसिपल्स है, जो प्रोफेसर है, सब एक्टिवली समूह का जो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कराने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए थे। क्या एजेंडा है इसका? खासतौर पर देखिए, जो भी है पहले जो क्या होता है, तो वो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, जो कितनी यूनिवर्सिटी जो भी है, हम लोग से थोड़ा अलग हट के काम करती है, अपने वो जमाने में रहती है। जो राज्यपाल महोदय कोशिश करें उन लोग भी एक्टिवली कैसे जो इस पर ला सकते हैं, यानी जो उस पर जो सोशल स्कीम्स में कितने जो योजना चल रही है, जो उस पर सरकार का लाभान्वयक योजना है, उसी पे एजुकेशनिस्ट को भी पार्टिसिपेशन चाहती है। जो प्रोफेसर है, वीसी है, सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ये मकसद है। सर, एक प्रदर्शनी भी लगा के यहाँ जो हम लोग यहाँ स्वयं समूह संगठन है, उसका महिला का करीब 8,000 संगठन यहाँ चल रहा है। कुछ संगठन का प्रदर्शनी हम लोग यहाँ गोरखपुर में कराएं, इस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी आज आकर के उन लोग का, कुछ लोग का ट्रैक्टर का चाबी दिए थे, कुछ लोग का चेक दिए थे और प्रेरणा भी दिए थे उनने, ताकि वो खुद महिला है और लोग महिला उनके देके और प्रेरणा लेती है। वो आपने तकरीबन 15-20 मिनट सबसे बात की थी मैडम, उनका समस्या भी सुनी थी, उसके बाद आगे जो उन लोग का और मदद करने के लिए हम लोग को भी निर्देश दिए थे, वो मैडम इसका पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करा के उन लोग को निर्देश भी दिए थे। सरकार का तो लगातार यही काम है, हम लोग को और उत्साह मिलेगा, ताकि जो वैसे राज्यपाल महोदय भी आकर के ऐसे मार्गदर्शन देंगे तो हम लोग को और उत्साह बढ़ेगा, और ज़रूर निश्चिंत रूप से हम लोग सरकार का योजना का जो किसी तेज़ी से रफ्तार से लेके जा रहे हैं, उस पर राज्यपाल महोदय भी काफ़ी तारीफ किए थे जनपद के बारे में। संघ के साथ मीटिंग थी तो जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि हर व्यक्ति जो हमारे कॉलेजेज हैं प्लस जो जिला प्रशासन के लोग हैं, सब लोग ऐसे बच्चों को एक एक गोद लें जो कि टीवी से ग्रसित हैं, और एक एक बच्चे को गोद ले लेंगे तो निवारण उसका जो है हो सकेगा और पूरा हमारा समाज टीवी के रोग से मुक्त हो सकेगा।